नमस्कार, सप्रियर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रियर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। जहां हर अपराध पर होगी हमारी नजर सबसे पहले सबसे तेज, हमारी खबर सबकी नजर। जहां हम चीजों को दिखाने का काम करते हैं, वो चाहे बड़ा अपराध हो या छोटा अपराध हो, उन सारी चीजों को दिखाने का काम हम करते हैं। आज उसी को लेकर के मौजूद है थाना मुगरा बादशाहपुर कैंपस में, जहां पर पुलिस की ऐसी सक्रियता है, जहां पर बड़े घटने को अंजाम देने वाले चोर साथी डकैत गैंगस्टर उनको तो पकड़ती ही है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। लेकिन आज उसी को लेकर के साइकिल चोर, जहां पर कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट होते हैं, जहां पर ज़्यादा मात्रा में बच्चे जाते हैं और बाहर साइकिलों का स्टैंड होता है, वहीं से कुछ ऐसे इस तरीके से अराजक तत्व हैं लगे रहते हैं, उनकी निगाह रहती है, जहां पर साइकिलों को चुरा करके लेके चले जाते हैं और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आज उसी को लेकर के हमारे बादशाहपुर में एक ऐसे कांस्टेबल हैं जिनका नाम विमल द्विवेदी है। वो हर चीज़ों पर उनकी निगाह बहुत पैनी होती है, चाहे वो जाम को लेकर के हो, चाहे अपराधियों को लेकर के हो, हर व्यवस्था में बहुत ही पैनी निगाह। एक पुलिस प्रशासन का एक ऐसा नुमाइंदगी करने वाला कांस्टेबल जो वाकई में पुरस्कार लेने लायक है, आज उसी को लेकर हम यहाँ मौजूद हैं। ये साइकिल पकड़ी गई है, 3 साइकिल पकड़ी गई है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंटर और बीए में पढ़ते हैं कोचिंग संस्थानों में, और पुलिस की सक्रियता ऐसी थी कि साइकिल तो पकड़ लिया और जिन बच्चों ने उसको चुराया था वो छोटे छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे। पुलिस का जो सरलता और सज्जनता है, जहां पुलिस अपराधियों पर भी काम करती है वहीं पर व्यवहारिकता में भी काम करती है। वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको समझा बुझा करके डांट फटकार के हमारे इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह जो कि थाना प्रभारी मुगरा बादशाहपुर हैं, उन्होंने बड़ी सरलता से उन्हें समझा बुझा करके छोड़ दिया ताकि इस तरीके से दोबारा वो जुर्म न करे। क्योंकि हमारे बीच में मौजूद है प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना मुगरा बादशाहपुर। आइए हम बात करते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपकी निगाह इतनी पैनी रहती है, बताइए सर। कल जो है न्यूज सिटी कोचिंग के मैनेजर साहब आए और आपको बताया, सर एक लड़के का वो वीडियो फुटेज है जिसमें वो कई दिनों से बच्चों का साइकिलें चुरा चुरा कर लेके जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने सिपाही विमल देवी जी को लगाया और हमने कहा कि भाई देखिए इसमें और इस फुटेज को पहचानिए कौन है ये। तो चूंकि इनका नेटवर्क बहुत बढ़िया है हमारे कस्बा क्षेत्र, इन्होंने तुरंत अपने हिसाब से समझ गए कि कौन लड़का है, उसको पकड़ करके लाया। उसके संगत में 2 लड़के और मिल गए, कुल मिलाकर के 3 बच्चे थे जो कि 6 और 7 में पढ़ते थे और उम्र उनका 12 से 13 साल के बीच में था। उन लड़कों ने भी तुरंत थोड़ा सा भी हम लोग पूछताछ शुरू किए तो बता दिए 3 साइकिल उन लोगों ने बरामद किया, जिसमें एक बच्ची का ये मिला है साइकिल जो सामने खड़ी है। और उसके बाद उसके घर के परिजन लोग आए और भी सम्मानित लोगों ने कहा, तो बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समझा करके थोड़ा सा अपना शक्ति करते हुए सुपुर्दगी में दे दिया गया कि आइंदा फिर दोबारा इस तरह की गलती न करें। बच्चों को तो छोड़ दिया गया, वही बच्ची आज वो लेकर लेने के लिए आई है साइकिल, जिसको हम साइकिल सुपुर्दगी। कल रात में आपने बनारस से एक गैंगस्टर भी पकड़ा है, उसके बारे में बताइए कुछ। हमने हमारे ही, मैं उसका विवेचक हूँ, ये मर्डर का केस का मुलजिम था और गैंगस्टर था हमारे यहाँ का, उसको मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया और आज उसको जेल भेज दिया। चुनाव का बिगुल फूक गया है, बच गया है लोकसभा का, और 12 मई को यहाँ का स्थानीय चुनाव लोकसभा का होना है, उसको लेकर के गंभीरता में मतलब क्या कर रहे हैं आप ताकि किसी प्रकार का कोई क्राइम न बढ़े? क्योंकि हमारे कप्तान साहब भी इसमें बहुत एक्टिव हैं और हम लोग भी पूरे अपने क्षेत्र को बीट प्रणाली में जो पहले से था प्रावधान, उसी हिसाब से हर आरक्षी को एक एक गांव, दो दो गांव अलाट कर दिया गया है और उस गांव में जा जा करके चौपाल करने का प्रावधान, चौपाल करिए, उसमें कोई समस्या हो, जमीनी विवाद हो या इस तरीके से अगर क्या वो बहुत संवेदनशील है कि नहीं संवेदनशील है, अति संवेदनशील है तो उसको बताया जाए, तो उस तरीके से जायजा ले लेकर के कि कहीं पे कोई अप्रिय घटना न घटे और पहले से ही कोई इस तरह की घटना के बारे में जानकारी हो जाए तो निरोधात्मक कार्रवाई करके हम लोग उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लें। तो क्योंकि चाक चौपन से चौपाल लगाए जा रहे हैं हर जगह और समस्या को हम लोग निस्तारण भी कर रहे हैं और जो निरोधात्मक कार्रवाई करनी है वो कर भी रहे हैं, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होगा ये हम लोगों का। हमारे बीच में शक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोप्राइटर मिस्टर राजन सिंह भी मौजूद हैं। इनकी कंप्लेन थी कि अक्सर हमारे कोचिंग के बाहर जो स्टैंड है वहां से साइकिल चोरी हो जाती है और छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं बड़े व्यथित होते हैं क्योंकि उनको वापस जाने के लिए साधन नहीं होता है। आइए उनसे बात करते हैं, बताइए सर क्या दिक्कत थी। देखिए सर, आए दिन हमारे यहाँ साइकिल चोरी होती है और कल भी एक ऐसा वाकया हुआ, और चूंकि कोई भी प्रशासन पुलिस प्रशासन साइकिल चोरी को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, जी जी जी, लेकिन मुगरा बादशाहपुर के थाना के द्वारा ये
जो बात है वो मिथ्या सिद्ध हुई। हाँ। क्योंकि कल हमने एक छोटा सा फुटेज यहाँ के कांस्टेबल बिमल जी को दिखाया और उस पर थानाध्यक्ष अनिल सिंह यशो साहब ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और इन्होंने तुरंत बिमल जी को भेजा और इन्होंने तफ्तीश करके एक नहीं बल्कि इससे पहले माँ विश्वासिनी कोचिंग से खोई हुई साइकिल को भी बरामद करा दिया और तीन तीन साइकिल मिल गए। बच्चों को कतई नहीं यकीन था, यहाँ बाइक खो जाती नहीं मिलती, साइकिल खो जाए वो भी दो दो महीने बाद वो थाने ने वापस दिला दिया। अब हम जान लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यशो साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बिमल जी को कि उन्होंने इतनी सक्रियता दिखाई, एक साइकिल के लिए इतने छोटी सी चीज के लिए दिखाई, ये एक बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं, इससे बच्चे भी बहुत खुश हैं। जहां छोटे क्राइम को लेकर के जो आते हैं अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं उनको ये विश्वास और भरोसा नहीं होता है कि क्या वाकई में ये पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उस रिजल्ट को दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन राजन सिंह ने ये कहा है कि वाकई में पुलिस की सक्रियता स्थानीय और वर्तमान अनिल कुमार सिंह जो प्रभारी निरीक्षक मुगरा बादशाहपुर के हैं वाकई में अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और छोटी सी कंप्लेन को भी दर्ज करते हुए उस पर कार्रवाई किया और साइकिल जो चोर थे उनको पकड़ा और वो निकल गए बच्चे और अनिल कुमार सिंह ने उनको बड़े प्यार से समझाते हुए उनको घर वापस कर दिया कि इस तरीके से वो क्राइम को न करें। हमारे बीच में अनिल कुमार तिवारी जी भी मौजूद हैं जो कि किस इंस्टीट्यूट के हैं सर? आप माँ विंध्यवासिनी क्लास। माँ आपके स्कूल से भी बच्चों का साइकिल गायब हुआ? हाँ, दो महीने पहले यही बच्ची हमारी। कैसा देखते हैं ये पुलिस की सक्रियता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निस्संदेह है, लोग बधाई के पात्र हैं, जितने जल्दी ये लोग एक्टिव होके उसको काम किए इसके लिए निस्संदेह इनकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम बच्चों में इनके प्रति जो एक विश्वास है वो बढ़ा है और हम लोगों ने भी इस चीज को अच्छे तरीके से कराया है। पुलिस की सक्रियता के लिए ये दोनों इंस्टीट्यूट के प्रोप्राइटर जो डायरेक्टर हैं उन लोगों ने बधाई दिया है कि पुलिस की सक्रियता बहुत अच्छी है, इसी तरीके से पुलिस अपना काम करती रहे, सबकी नजर की तरफ से भी उनको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।